एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें अब नौकरी ढूंढनी ही होगी अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो। कैसे आदमी से मुझे मिलवा दिया जिसे फिल्मों का बिजनेस तक पता नहीं है? नहीं, बड़े बड़े स्टारों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, ऐसी ही फिल्में चलती हैं। जो मेरे लिए एक फिल्म बनाएगा और मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे बैक टू बैक 10 फिल्में बनाने के लिए दूंगा। मैं आपको उस फिल्म में बतौर हीरो ले रहा हूं, आप अपने पैसे लीजिए और घर जाइए। ये रहा साइनिंग अमाउंट, 10,000 रुपए। तू हमारी बात कान खोल के सुन ले, चुपचाप से जाके वो कच्चा बनियान के खोखे पे बैठ जा, नहीं तो वहीं आकर के लतियाएंगे और तुम्हारा सारा हीरोगिरी निकाल देंगे, समझा? क्या बात है तिवारी जी, आपके तो आज रंग ढंग ही बदले हुए हैं। बस भाभी जी, एक अजीब सा खुमार छाया हुआ है। टीका, भाभी नजर ना आ रही। टीका सुपरस्टार। ओह माय गॉड, सर सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। सर मैं भी आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, पंखे से भी बड़ो। ओ या सर, प्लीज ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। या या, व्हाट्स योर नेम? टीका। टीका, बेस्ट ऑफ लक। ओके, या सर सर, एक सेल्फी तो बनती है सर। या प्लीज स्माइल। चलो चलो चलो, निकल लो, भाई से बात करनी है, चलो निकल लो सर, मजा आ गया। नाइस टू मीट यू सर। या या या, चलना, चलो चलो, मजा आ गया, सुपरस्टार से मिल ले। बस भाभी जी, ऐसे ही बस। वाह 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 तिवारी जी, हाँ फिल्म अभी तक फ्लोर पे नहीं गई और आपके तो फैंस बन गए, फैन फॉलोइंग बढ़ गई। भाभी जी, स्टार्डम ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? तिवारी जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ज़्यादा हवा में मत उड़िए, पहले फिल्म बनने दीजिए, रिलीज होने दीजिए, लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, उसके बाद दिखाइएगा अपना स्टारडम, है ना? रिक्शा। हाँ चलिए तिवारी जी, मुझे देर हो रही है, बाय। ओके भाभी जी, बाय। अरे यार, इन्होंने तो वैल्यू ही नहीं दी। क्या 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 भैया, आपको स्टारडम गए गुहियों के खेत के अंदर, आपने जो नाटक करने के लिए हमको बोला था ना, वो हमने कर दो है, अब फटाफट 1,000 रुपए ले निकालो। ये 100-100 रुपए पकड़ो और निकल लो पतली गली से, चलो भेजा। जे का दे रहे हो तुम? टीका चल भाभी के पास, बोल देंगे कि नाटक करवाए तो हमसे, आ जा। अबे सुनो तो, इधर आओ, रायता बिखेर रहे हो यार, दे रहे हैं ना? क्यों मुकर रहे अपने वादे से? चुप रहो, ये लो, जाओ भाई जाओ। सुपरस्टार। हेलो भाभी जी। आइए आइए भरभूति जी। भरभूति जी, आप लड्डू के भैया को अपने फिल्म में काम देकर हम पर बहुत ही बड़ा फ्लेवर किए हैं। अभी इट्स नॉट फ्लेवर, इट्स फेवर। ऐसे ही पकड़े हैं। आप बहुत ही बड़ा एहसान किए हैं हम पर। इस एहसान को आप अपनी मोहब्बत से चुका दीजिए। अका बोले भाभी जी, इसमें एहसान क्या है,
मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ और मुझे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो तिवारी जी की तरह हो, ले लिया। हम क्रिएटिव लोग तो कचरे में भी क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं, यू नो। ठीक बा, अब अरुति जी हम एक ठो बात और पूछना चाहते हैं आपसे। अभी हम कब से इंतजार कर रहे थे कि आप हमसे पूछें, डू यू लव मी? क्या बोले? पूछिए भाभी जी, आस्क मी। हम ये पूछना चाह रहे थे कि का हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग थॉट, हाँ? जरा घूम के दिखाइए। ये लीजिए। और जरा वहां जाइए और वहां से मटक के लहराती हुई आइए। भाभी जी मेरे करीब आइए और फिर करिए कि मैं आपका प्रेमी हूँ। अब अरबुती जी क्या कह रहे हैं? भाभी जी मैं आपका ऑडिशन ले रहा हूँ। ये क्या होता है? मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक्टिंग आती है या नहीं, आप एक्टिंग कर सकती हैं या नहीं। हाँ तो लीजिए ना। हाँ तो दीजिए ना प्लीज। आई मीन आप एक काम कीजिए कि आप फीलिंग के साथ कहिए कि आई लव यू। अब अरबुती जी कम ऑन भाभी जी, मैं कोई पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये इस टोटल प्रोफेशनल। कोई आप मुझे बोलेंगे आई लव यू और मजे ले लूंगा? नो 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 नो, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। ओके, अब आप मुझे बोलिए आई लव यू विद द फीलिंग। ओके, आई एम ऑल गेम, शट योर आईज एंड से आई लव यू, कम ऑन। ठीक बा, हम फूल करते हैं। भाभी जी फूल तो मैं कर रहा हूँ, आप सिर्फ फील कीजिए, कम ऑन। ऐसे ही पकड़े हैं, हम फील करते हैं। Let's speak up. Come on, भाभी जी. Come on. Hello, sir. अगले टाइम पर क्यों आए आप? I like it. अब अरबुती जी बोलेगा? भाभी जी, hold on for a sec. I just hold on for a sec. प्रॉब्लम क्या है आप? सर मैंने सुना आप फिल्म बना रहे हैं। जी बना रहा हूँ, लेकिन पागल का कोई रोल नहीं है उस फिल्म में। नहीं सर, मैं किसी रोल के लिए नहीं आया हूँ। आई हैव कम फॉर द पोजीशन ऑफ योर एसोसिएट डायरेक्टर, दिस इज माय वर्क एक्सपीरियंस। कानपुर और आगरा में आज तक जितनी भी फिल्मों की शूटिंग हुई है, हर डायरेक्टर ने मुझे एसोसिएट डायरेक्टर लिया है। हॉलीवुड के 3 डायरेक्टर्स ने आगरा में शूटिंग की, तीनों बार मैं ही था एसोसिएट डायरेक्टर। नॉट बैड, ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क। मैंने आपको एसोसिएट डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। ये लीजिए 5,000 रुपये। और हमारे जो लोकल टैलेंट है ना, गुलफाम कली, उसको एज अ हीरोइन साइन कर लीजिए। गुलफाम कली सिगरेट की फिल्म है। ओके आई विल गो। अब बोलेगा? हाँ भाभी जी, दिस इज द टाइम, कम ऑन। यस हाय, यस हेलो, राइट, यस सक्सेना जी। जी सर। आपने हीरो हीरोइन को कितने बजे कॉल टाइम दिया था? 2 बजे का जो आपने कहा था वही दिया था सर। 2:30 बज रहे हैं, इट्स 2:30। टेल देम प्रिसाइसली कि मैं टैलेंट के टेंटम्स नहीं झेलूंगा, ओवरनाइट रिप्लेस कर दूंगा। आई एम वेरी पंक्चुअल एंड आई एम अ हार्ड टास्क मास्टर। ओके सर। हाय एवरीबॉडी। हाय सर, हाउ आर यू सर? हीरो आ गए हमारे, बैठे सर, बैठे। मिस्टर तिवारी, यू आर लेट। वो क्या है कि बहुत सारे फैंस मिल गए थे। फैंस? अभी आपकी फिल्म शुरू नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, ये फैंस कहां से टपक गए? क्या है कि जब से कानपुर में सब लोगों को पता चला है कि हम हीरो बन गए हैं, तो फैंस बनना तो लाजमी है। मिस्टर तिवारी, इट्स अ वार्निंग फॉर यू। अपने कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, रोल पे ध्यान दीजिए, ज्यादा उछलिए मत। ये मेरा कैरेक्टर क्या है? सर मैंने आपको बताया था ना, आपका रोल एक किसान का है, एक मजबूर किसान का, जो कि एक जमींदारनी के चंगुल में फंस जाता है और उसके बाद वो जमींदारनी आपसे अपने खेत में हल चलवाती है। अच्छा, मतलब काफी दमदार रोल है। काफी दम लगाना पड़ेगा। आदाब हुजूर।
अरे हीरोइन आ गई सर, आए आए आए। वेल मिस गुलखान कली, आप लेट हैं, क्यों? वो क्या है ना, हमारे पुराने चाहने वाले आ गए थे तो प्रोग्राम करना पड़ा। मिस गुलफाम कली, आपने एक बात साबित कर दी है कि बिल्ली को चाहे कितना भी महंगा एक्सपेंसिव हारमोनियम दे दो, वो मियाऊ ही करेगी, गजल नहीं गाएगी। सक्सेना जी, प्लीज इनको इनका कैरेक्टर समझाइए। सर फिल्म में जो इनका कैरेक्टर है वही इनका रियल में भी कैरेक्टर है, सेम टू सेम। I know. It's loose. Quite loose. भाई कुछ स्क्रिप्ट वगैरह है कि नहीं? सक्सेना जी, आप प्लीज एक्टर्स को स्क्रिप्ट दीजिए ना। शुक्रिया। एक्चुअली तिवारी जी, वो सीन है जब पहली बार जमींदार ने दुमर किसान को उसके खेतों में हल चलाते हुए देखती है। तुमर किसान ने ब्रीफ्स एंड वेस्ट पहनी हुई है, चड्डी बनियान, एंड ही स्वेटिंग, और इट्स लव एट फर्स्ट साइट, यू नो, द मोमेंट शी सीज हिम शी फॉल्स इन लव। एंड द ड्रॉपलेट्स ऑफ स्वेट आर ग्लिसनिंग ऑन हिज बॉडी। इजी बॉय, इजी, डिटेल ज्यादा नहीं, इजी बॉय। हाँ तो चलिए, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, लेट्स डू सम क्रिएटिव वर्क। आप अपने खेत में हल चला रहे हैं और आवाजें निकालिए। जी कैसी आवाजें निकालिए? कराहट की आवाज निकालिए, और उस कराहट में एक आनंद है। लेकिन सर ये धूमर किसान हल चलाते हुए कराहेगा क्यों, मतलब, और वो भी आनंद के साथ? Very interesting question. I like intelligent actors. Actually, क्या है कि जब ये किसान अपने खेतों में हल चलाएगा और जब हल जमीन में धसेगा तो अचानक अपने आप उसकी कराहट निकल आएगी। इस कराहट में एक आनंद की अनुभूति होगी। Understand? चलिए कराइए। ऐ नौजवान, तुम कौन हो? खमा घनी हुकुम, हम तो आपकी रियासत के एक अदना से किसान है, नाम है दूमर। तुम जो भी हो बहुत अच्छा हल चलाते हो। हाय, तुम जिस तरीके से हल चलाते हो उस तरीके से हमने किसी को भी हल चलाते नहीं देखा। ये तो बस कुदरत की देन है हुकुम। तुम्हारे हल में भी बहुत तेज धार है, लगता है काफी दूध घी खाते हो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब किसान के दूध घी खाने से उसके उसके हल की तेज धार से क्या ताल्लुक है? मतलब एक्चुअली क्या है कि जब किसान दूध घी खाएगा तो उसमें ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, और फिर वो अपने हल को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उसको शार्प करेगा, पहना करेगा, तेज करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा सा कुछ है। आगे बढ़िए, कंटिन्यू। सुनो दुमर किसान, हमारी जमीन काफी दिनों से बंजर पड़ी है, तुम आज रात उस जमीन पर हल चलाने आओगे? गुड गोइंग गुलफान कली, आई लाइक द फील, द टेक्सचर, आई लाइक इट, गुड। या ना, ये जमींदारनी दुमर से रात में हल क्यों चलवाएगी? ये कैसे बेटे को सवाल कर रहे हैं? ये उनका खेत है, वो जब चाहे तब हल चलवाए। इट्स अ कॉल, इट्स एज सिंपल एज दैट। आवर सक्सेना, शाम तक मुझे स्टोरी बोर्ड चाहिए। सर लेकिन इस टाइप की फिल्मों में स्टोरी बोर्ड बनते नहीं है।
इस टाइप से क्या मतलब? आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए, रोल पे ध्यान दीजिए, इस पर्स खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई और खिदमत? नहीं, बस आप ये रोल ठीक ठाक कर लीजिए, दैट्स इनफ फॉर मी। शुक्रिया, थैंक यू। चलती हूँ जी। सर सर सर, फिल्म के लिए एक सीन का आइडिया है, जबरदस्त है। सुनाइए। सक्सेना जी, ये कुछ ज्यादा हो गया, हम दोनों अरेस्ट में लाएंगे। आई लाइक इट सर, आई लाइक इट। स्टोरी बोर्ड लेके आता हूँ सर। यार कैसे बनेगी ये फिल्म, यार कैसे बनेगी ये फिल्म, अब क्या करूं यार, कैसे बनेगी ये फिल्म। मिस्टर कुसेटिया, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर। मैं अपनी फिल्म में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए, पहली बार जब मेरे हीरो हीरोइन का जो 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 इंटरेक्शन होता है, वो पहली बार बाजरे के खेत में होता है। अगर मुझे बाजरे के खेत चाहिए तो चाहिए, आई डोंट केयर। क्या बाजरा कट गया तो दोबारा होगा ये, बट आई नीड बाजरे का खेत, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। क्या कह रहे हैं जी, आपका एडवांस वापस कर दूं? एक्चुअली मैं एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा कोई खेत इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आई मीन एनी खेत वुड डू। या सरसों इज गुड, सरसों इज गुड, सरसों इज गुड, या सरसों इज गुड, या ना सरसों इज गुड, या ओके ऑलराइट बाय। एक नंबर का कंजूस प्रोड्यूसर है सर, ऐसे खर्च कर राजी नहीं है। सरसों का खेत दे देना देखो। हे बेबी, व्हाट्स अप? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाई अब क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें यार, अब तुम एक अपकमिंग डायरेक्टर की बीवी कहलाती हो, अब तुम्हें क्या शिकायत है? मुझे शिकायत है तुमसे। बोलो ना क्या शिकायत है। मुझे ये शिकायत है कि जो डायरेक्टर है उसकी बीवी इतनी खूबसूरत, जवान और इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, फिर भी डायरेक्टर ने उसको अपनी फिल्म में कोई रोल नहीं दिया। अरे तुम समझ नहीं रही हो, देखो ये फिल्म मेट्रो की नहीं है, ये फिल्म रूरल फिल्म है, इट्स अ डिफरेंट रियलिस्टिक जोन की फिल्म है। देखो ना, मुझे एक्टर चाहिए, इसे गांव के एक्टर्स चाहिए मुझे। अब तुम किस एंगल से गांव के लगती हो? तुम लगता है कि तुम पोलिश हो, यू फ्रॉम पोलैंड। तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है कॉलेज के टाइम पे मैं एक नाटक किया करती थी और उसमें मैं गांव की लड़की बनी थी और मैं कितना अच्छा करती थी गांव की लड़की का रोल। विभू, आई एम वेरी श्योर अगर मैं गांव की लड़की का मेकअप करूंगी तो मैं गांव की गोरी लग सकती हूँ। सी, हे यू बाबू, यहाँ मत शुरू हो जाओ यार, प्लीज प्लीज। अच्छा कुछ करता हूँ मैं तुम्हारे लिए, आई डू समथिंग, डोंट वरी, आई राइट समथिंग नाइस, ओके? यू विल राइट स्पेशल फॉर मी? सॉर्ट ऑफ, या। सो स्वीट ऑफ यू। आ हेलो अनीता जी, अब क्या बात है, अब बहुत ही खुश दिख रही हैं। अरे अंगूरी जी, हेलो अंगूरी जी, आपको पता है विभू की फिल्म में मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ। क्या बात कर रही हैं भाभी जी, आप भी हमारी फिल्म में काम कर रही हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का भाई? वो क्या है सर, सर वो हमने आपसे कहा था कि भाभी जी को हमारे अपोजिट ले लीजिए, तो आपने भाभी जी को हमारे अपोजिट ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। भाई ये आपके अपोजिट नहीं है, इनका एक अलग रोल है, ए डिफरेंट रोल, यू नो डिफरेंट। अच्छा क्या रोल है? वो वर्कआउट हो रहा है, आई एम वर्किंग ऑन इट, कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर। थैंक यू बेबू, थैंक यू, सो स्वीट। अब अभिभूति जी, हम आपसे बहुत ही हंग्री हैं। भाभी जी, इट्स नॉट हंग्री, इट्स एंग्री। ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपसे बहुत नाराज हैं। लेकिन क्यों भाभी जी, व्हाई? भैया, ओ गॉड, चरण होना था इसी वक्त। हाय दया सक्सेना जी, आराम से, नहीं तो गिर जाएंगे। भैया सुनिए सुनिए सुनिए, एक जबरदस्त आइडिया है। ये जो अपनी हीरोइन है ना, हीरोइन ये एंटर करती है बाजरे के खेत में
और इसके पैर में मोच आ जाती है और ये धड़ाम से सीधा एक डबल बेड पे गिरती है और वो डबल बेड बाजरे खेत के ठीक बीचों बीच रखा है, ठीक है। और वो जो डबल बेड रखा है उसको भी हम ऐसा रखेंगे जो चुर्राता हो, चर 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 चू चर चर चर। यार कितनी बार चर चू सुन लिया ना यार, अभी ये कोई वक्त है इसके डिस्कस करने का? कल बात करेंगे, चाहो अभी। नहीं नहीं भैया, पूरा आइडिया तो आप सुनिए यार, कल बात करेंगे ना, बोल रहा हूँ कल डिस्कस करेंगे। आई इंसिस्ट, अब पूरा आइडिया सुनिए, देखिए क्या है। ठीक है, हो गया ना यार, हो गया ना यार, सुनिए तो सही भैया। देखिए, आई रियली इंसिस्ट, ये जो डबल बेड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसमें जो चर, हाय दया, ये चर 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 कैसा आवाज है? चर कितनी बार यार, सुनिए भैया, इसी पे पूरी फिल्म बननी है, इस डबल बेड पे ही पूरी फिल्म बनने वाली है। हाय दया, आई लाइक इट। एक्चुअली क्या है कि वो जरा एक्साइटेड हो रहा है, नया नया है ना, जरा जज्बाती हो रहा है। तो मैंने समझा दिया उसको। और बताइए भाभी जी, हाउ थिंग्स। अब अरबूती जी, आप हमें आपकी फिल्म में रोल काहे नहीं दिए? भाभी जी एक्चुअली वो नहीं नहीं, आप बताइए भरभूति जी, आप अनीता जी को रोल दिए, लड्डू के भैया को भी दिए, तो हमें रोल काहे नहीं दिए? पर भाभी जी, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं आपके लिए भी एक बढ़िया सा किरदार लिखूंगा, एक स्पेशल कैरेक्टर। हाय दया, क्या बोल रहे हैं, सच्ची? थैंक यू, थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम।